रिकॉर्डिंग हैज जस्ट स्टार्टेड। स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ऐसी कोई स्क्रीन, और काफी चीजें हमने पिछले क्लास में कल देख ली थी। सो वी हैव सीन नंबर ऑफ थिंग्स, सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द थिंग्स वी हैव सीन। तो आपने यहाँ पे देखा था कि क्या होता है आपका मसल, क्या होता है, यू हैव अंडरस्टूड कि आपके मसल के अंदर आपके मसल बंडल क्या होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। सो यू नो व्हाट इज योर अ बिग मसल इज गोइंग टू लुक लाइक, एंड देन यू हैव आल्सो सीन व्हाट इज योर मसल बंडल इज गोइंग टू लुक लाइक। आपका यहाँ पे मसल बंडल, राइट, और मसल बंडल के अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे मसल फाइबर, इनको इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ मसल सेल। एंड मसल सेल विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सार्कोलेमा, और मसल सेल के अंदर आपको मिलेगा आपका जो खाली स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। एंड वेन यू सी मसल सेल इन डिटेल देन आपको देखा कि वहां पे मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स। तो मसल सेल के अंदर आपको कई सारे मायोफाइब्रिल मिल जाते हैं, और इसमें आपका होगा प्रोटीन, इसमें आपके वो प्रोटीन आपके होंगे यहाँ पे जिनके वजह से आप बेसिकली अपना यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करा पाते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सो ये जो दो प्रोटीन आपके सामने हैं इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो ये चीजें तो इतनी तो हमने पिछले क्लास में समझ ही ली थी, दिस इज द थिंग विच यू हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास। ओके, इसको लेके कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा हो तो आप बता सकते हो कि सर ये मैंने समझने की कोशिश तो की लेकिन समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हो तो बता देना। इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन, राइट। तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली है, सो वी हैव अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स। हमने यहाँ पे इवन बात किया था माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, किसको याद है ये मेरी क्या कहानी थी माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कहानी थी क्या, किसको याद है? एनीवन वांट टू टेल मी व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? नो वन वांट टू टॉक अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस? कौन डैमेज करता है? योर ओन एंटीबॉडी, हाँ आपके खुद की एंटीबॉडीज, विल हैव योर ओन एंटीबॉडीज। योर एंटीबॉडीज जो आपकी होती है, दिस एंटीबॉडीज विल कम एंड गोइंग टू टारगेट द रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जाके आपके टारगेट करेंगे आपके यहाँ रिसेप्टर को ऑन द न्यूरल मस्कुलर जंक्शन के ऊपर। अब वो जब वहां पे आके उसे टारगेट करते हैं देन क्या होगा, लाइक दे विल डाई, लाइक वो खत्म हो जाएंगे वहां पे। अगर मेरे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर खत्म हो गए देन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, और यही होता है आपके यहाँ पे मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो प्लीज भूलना मत दो चीजें, एक तो आपकी ये है आपकी एक ऑटो इम्यून कंडीशन, दिस इज माई ऑटो इम्यून कंडीशन, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और दूसरी चीज यू हैव टू नो कि ये इसके अंदर आपके एंटीबॉडीज जाके टारगेट करेंगे, राइट। सार्कोमेर हम यहाँ पे देख चुके हैं, सार्कोमेर इज समथिंग नाउ ऑल ऑफ यू नो। अब मुझे एक काम करो, आप लोग मुझे फटाफट कुछ चीजें यहाँ पे बता दो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आप फटाफट उसका आंसर कर दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। मुझे बताओ आप लोग कि आपका थिक फिलामेंट क्या होता है, बोलो। अरे वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, बोलो। Filament is going to be a myosin, ठीक है, right? What is a thin filament? Actin. Actin. That's going to be your actin, ठीक है, right? What is going to be your high band? Actin. जहाँ पे only actin प्रेजेंट है। जहाँ पे आपका actin होता है, उस एरिया को हम बोलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ पे आपको actin मिल जाएगा। That is overgirded will be called my eye band, right? So I can say my thin filament जो मेरा वहाँ पे होगा, वहाँ पे मुझे मेरा eye band भी मुझे यहाँ पे मेरा मिल जाएगा, ठीक है? A band क्या होता है? Myosin filament, right? Myosin या thick filament भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So that is going to be my A band, ठीक है? मुझे बताओ आपका यहाँ पे कि आपकी M line क्या होती है? बोलो। जल्दी जल्दी बोलो बेटा, जल्दी आगे बढ़ना है, हमें टाइम नहीं है किसी के पास। हाँ ठीक है, यहाँ पे लाइक एम लाइन वो होती है बेटा, इट इज लाइक मिड पॉइंट ऑफ द मायोसिन, जहाँ पे आपके मायोसिन एक दूसरे के साथ यहाँ पे लाइक अटैच रहते हैं। तो मायोसिन आपके जो बीच में से अटैच्ड हैं, दे आर ऑल अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ माय एम लाइन, सो दैट इज समथिंग विल बी सीन इन द सेंटर ऑफ द मायोटिन। ये आपको मिलेगा द सेंटर ऑफ मायोसिन, ठीक है। देन यू हैव समथिंग लाइक योर एच जोन,
क्या होता है एच जोन? हाँ, ये सेंटर का वो स्पेस होता है जहां पे आपको एक्टिन नहीं मिलेगा, जहां पे आपका एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, दैट इज माय एच जोन. और जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा तब एच जोन मेरा हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट. सो एच जोन विल बिकम शॉर्ट और विल डिसअपियर जब भी आप करते हो अपना वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. व्हाट इज माय आर बैंड, ए बैंड, एम लाइन, आप यहाँ पे क्या ये सब आपको मालूम होना चाहिए. दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज माय अल्फा एक्टिनिन? सर जो मायोसिन को होल्ड करके रखता है. नहीं, चलो इतनी बातें तो आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मच वेरी क्लियर टू यू. सो ये आपके लिए सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे क्लियर है. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स यू हैव बीन क्लियर टू यू. ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं. नाउ सो दिस इज योर अगेन सार्कोमेर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है. सार्कोमेर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. याद रखना, ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल. द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर हेल्ड टूगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज माई एम लाइन. याद रखना, जो आपका मायोसिन होता है वो बीच में से आपका जोड़े रखा है हमने मायोसिन को बीच में से विद द हेल्प ऑफ माई एम लाइन. नाउ इन द रेस्टिंग स्टेट, अब ये याद रखते हैं, इन द रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप्स द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट. बेसिकली यहाँ पे लोग एच जोन की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आपका एच जोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपको मिलेगा देखने के लिए. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज माय एच जोन. ओके, सो अब यहाँ पे हम फंक्शन देख लेते हैं हमारे मसल्स का, फटाफट फंक्शन देखते हैं, फिर हमारा स्टार्ट करते हैं मस्कल के प्रोटीन्स के बारे में जानना. सो यू हैव अ बॉडी के पोस्चर को ये मेंटेन करता है, टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, योर बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है. बेसिकली अगर आपको ठंड लग रही हो तो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा ताकि आपके बॉडी में हीट जनरेट की जा सके. ये आपके स्केलेटल सिस्टम के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो भी आप मूवमेंट अभी आप कर रहे हो उसको ये कंट्रोल करेगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट सच एज योर ब्रीदिंग, एक्सटेंडिंग, टाइपिंग आर्म, राइटिंग, सब के लिए आपकी हेल्प करेगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्ट पोस्चर, जो आपका सीधा खड़े रहने का आपका जो पोस्चर होता है उसके लिए मसल्स इंपॉर्टेंट है, राइट. द स्केलेटल मसल प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, टिश्यूज फ्रॉम एनी ऑर्गन्स एंड टिश्यू फ्रॉम एनी इंजरी एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस डेलिकेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑर्गन्स को भी इनका यहाँ पे काम होता है. दे ऑल्सो सपोर्ट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द बॉडी. तो बकल कैविटी या एनल लाइक साइड के ऊपर भी आपको ये मसल्स आपको मिल जाते हैं. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस. ये सब चीजें आप यहाँ पे देखते हो एज अ फंक्शन ऑफ माय स्केलेटल मसल, जो बहुत ही सिंपल चीज है. लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. यहां से हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि जब हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे दो टर्म आपके यहाँ पे आएंगे. यू विल हैव समथिंग लाइक योर मायोसिन, जो आप मल्टीपल टाइम्स अपना देख चुके हो, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर एक्टिन. मायोसिन आपका यहाँ पे आएगा. तो पहले हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में. अब मायोसिन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मायोसिन का जो बेसिक यूनिट होता है, मायोसिन का जो एक मोनोमर होता है, सो मोनोमर जो होता है मायोसिन का, मोनोमर मतलब एक बेसिक यूनिट. सो बेसिक यूनिट और मोनोमर ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड एज माय मेरोमायोसिन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेरोमायोसिन. सो बेसिक यूनिट ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड एज माय मेरोमायोसिन. तो चलिए एक मेरोमायोसिन बना के यहाँ पे देखते हैं. लेट्स मेक वन स्मॉल मेरोमायोसिन ओवर हियर. सो मेरोमायोसिन बेसिकली आपका, इट लुक्स लाइक अ टैडपोल. ये एक टैडपोल की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होता है. सो इट विल हैव अ हेड पार्ट. दिस विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हेड पार्ट. And this part over here will be called as my tail part. This will be my tail. So you have a head part and you have a tail part. So ये दो चीज़ आपके यहाँ पे दिख रही हैं. अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि head और tail तो आपके यहाँ पे दिख रहा है. That is something you can very clearly see over here, right? तो आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके head में आपको क्या मिलता है, tail में आपको क्या मिलता है. तो tail में तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन head वाले part में आपको काफी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी.
तो उनके तरफ हम करेंगे यहाँ पे फोकस. सो आपको जो हेड वाला यहाँ पे पार्ट होगा, आपका जो हेड वाला पार्ट होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय एक्टिन बाइंडिंग साइट. यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी एक साइट होगी जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्टिन बाइंडिंग साइट. अब एक्टिन बाइंडिंग साइट अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं तो समझ जाओ कि ये मेरा वो पार्ट है मेरे मायोसिन हेड का जो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा. याद रखना मायोसिन का काम होता है एक्टिन के साथ बाइंड करना, अटैच करना. तो ये मेरे मायोसिन का वो वाला पार्ट है जो एक्टिन के साथ यहाँ पे बाइंड करता है. ठीक है, देन यू विल हैव वन मोर पार्ट ओवर हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय, एक और रीजन आपके यहाँ पे होगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एटीपी बाइंडिंग साइट, समथिंग लाइक योर एटीपी बाइंडिंग साइट. ओके, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ एटीपी बाइंडिंग साइट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपका एटीपी बैठा हुआ आपको मिल जाएगा. दिस इज अ साइट जहां पे आपको एटीपी आपका लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है. और उसके बाद जो आखिरी चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, द लास्ट थिंग विच यू हैव टू नो हियर इज दैट इज गोइंग टू बी, आपको एक और आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय एटीपीएज. सो दिस इज अ साइट वेयर यू हैव द एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय एटीपीएज. सो एटीपीएज आपका यहाँ पे वो एंजाइम है जो आपको हेड वाले रीजन में आपका मिल जाएगा. दिस इज एटीपीएज इज एंजाइम विच विल बी देयर इन द हेड वाले रीजन के अंदर एंड दिस एंजाइम इज द वन विच कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन द एटीपी मॉलिक्यूल. ये एंजाइम आपके एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. यू विल हैव एटीपी बाइंडिंग साइट जहाँ पे एटीपी आपको अटैच मिलेगा. एक्टिन बाइंडिंग साइट वो होती है जो एक्टिन के साथ बाइंड करेगी, ये वो जगह होती है जो अटैच करती है अपने आपको एक्टिन के साथ. एंड देन यू हैव द एटीपीएज एंजाइम आपको मिलेगा जिसका काम होता है एटीपी को ब्रेक डाउन करना. इतनी बातें आपको रखनी है याद इन टर्म्स ऑफ माय हेड पार्ट ऑफ माय मायोसिन, राइट. बाकी आपका यहाँ पे होता है टेल. इसके अलावा भी कुछ लेबलिंग से वो लेकिन आपके लिए रेलेवेंट नहीं होती. लाइक हेड वाले पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हेवी मायोसिन, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लाइट मायोसिन, बट यू कैन इग्नोर दैट, राइट. अब यहाँ पे मैंने जो टैटपोल वाला जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसे दो होते हैं. यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा है बट एक्चुअली ये दो होते हैं लाइक दिस. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऊपर देख पा रहे हो, सो इट इज अ दो स्ट्रक्चर को कॉइल करके हम बनाते हैं यहाँ पे. सो आपको याद रखना है दिस स्ट्रक्चर का जो हेड पार्ट है, इट विल हैव द एक्टिन बाइंडिंग साइट, इट विल हैव द एटीपी बाइंडिंग साइट, और एक और चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, दैट इज माय एटीपीएज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज योर एटीपीएज, राइट. सो इतनी चीजें आपको इसके अंदर रखनी है. सो दैट इज ऑल अबाउट माय मायोसिन. सो मायोसिन को लेकर इतनी बात याद रखो क्योंकि ये आपका मोनोमर है, बेसिक यूनिट है, और ये हमारी बड़ी ही जरूरत करे, लाइक हम हेल्प करेगा जब हम करेंगे हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. आई होप यहाँ तक ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, अब दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. सो नाउ वी हैव दिस थ्री लोकेशंस ऑन द हेड साइड और इसको हम बाद में समझते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्टिन. अब यहाँ पे हम जिक्र करते हैं हमारे एक्टिन का. अब एक्टिन बनाया जाता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है एक्टिन, लेकिन बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे हमारे कुछ प्रोटीन्स, एक्टिन प्रोटीन, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स. दीज आर कॉल्ड एज माय ग्लोबुलर प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड एज योर जी एक्टिन. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे जी एक्टिन. जी एक्टिन स्टैंड फॉर माय ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन. अब ये जी एक्टिन यहाँ पे करता क्या है? सो बेसिकली जी एक्टिन मतलब ये जो आपकी यूनिट्स है ना, अलग अलग यूनिट्स है, ये सारे इकट्ठा होंगे और एक लंबा सा चेन बनाएंगे. सो ऑल दिस यूनिट्स विल कम टुगेदर एंड विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन. सो दिस यूनिट्स विल कम टुगेदर एंड विल फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन ओवर हियर. इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ माय जी एक्टिन. इसे हम कहते हैं एज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ माय जी एक्टिन. तो जब मेरे जी एक्टिन यहाँ पे सब साथ में आके एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए, so this over here is called as my filamentous actin. तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a filamentous actin, जिसको हम short में लिखते हैं यहाँ पे as a F actin. And this is my filamentous actin. Right? अब filamentous actin आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, लगा हुआ है. अब इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? सो दिस एक्टिन विल हैव समथिंग सराउंडिंग इटसेल्फ. तो ये तो हमारा बन चुका है. तो फिलामेंटस एक्टिन मेरे यहाँ पे बन चुका है. अब देखो इसके ऊपर आपका क्या होता है. तो इसके ऊपर एक रोप की तरह कॉइल करा हुआ होगा एक और प्रोटीन,
और वो प्रोटीन का नाम आपका यहाँ पे होगा ट्रोपोमायोसिन। सो इस एक्टिन के ऊपर कॉइल करके रखेंगे हम यहाँ पे एक प्रोटीन को। सो देयर इज वन प्रोटीन विच विल बी कॉइल्ड अराउंड दिस एक्टिन, रोप की तरह, रस्सी की तरह वो कॉइल करके हम इसे यहाँ पे रखेंगे। एंड दिस प्रोटीन जिसको मैंने कॉइल करवा के रखा है इसके ऊपर, दिस प्रोटीन ओवर हियर इज माय ट्रोपोमायोसिन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन आप यहाँ पे ऐड करना, इट इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कॉइल्ड अराउंड योर एक्टिन फिलामेंट के आसपास, आपको कॉइल करके आपको ये मिल जाएगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तो ट्रोपोमायोसिन आपके यहाँ पे लगा हुआ है एक्टिन के ऊपर। अब ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे कुछ कर रहा होता है, द ट्रोपोमायोसिन इज एक्चुअली कवरिंग द बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन इज एक्चुअली कवरिंग द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट, इट इज एक्चुअली कवरिंग the binding site on actin filament। तो actin filament के ऊपर कोई ना कोई binding site है, उसको cover कर रहा है। आप ये मान लो कि उसको उसने cover करके रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर कोई attach ना कर सके। तो actin filament के ऊपर कुछ binding sites होती है लेकिन अभी वो uncovered है, मतलब अभी वो covered है, sorry वो अभी यहाँ पे covered है, उसके ऊपर आप कोई attach नहीं कर सकते। so that's my tropomyosin का काम। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सो देयर आर वन प्रोटीन। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रोटीन आके यहाँ पे आपको लगेगा, दैट इज माय तीन के नंबर में आपके आएगा, इट विल बी द नंबर ऑफ थ्री, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय ट्रोपोनिन। सो द नेक्स्ट प्रोटीन विच कम्स एंड सिट्स ओवर हियर, जो तीसरा प्रोटीन जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो आपके यहाँ पे होता है, इट इज इन द नंबर ऑफ थ्री। सो ट्रोपोनिन जो आपके होंगे लाइक ये तीन प्रोटीन आपके होंगे, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। So this troponin is attached to a tropomyosin. ये है मेरा यहाँ पे troponin. And this troponin is actually attached to tropomyosin. It is something which has been attached to tropomyosin. ठीक है, सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रोपोनिन किस पे ऊपर चिपका हुआ होता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ट्रोपोमायोसिन के साथ वो अटैच होता है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ थ्री। और यही चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, सो यू कैन सी द पिक्चर इन द नीचे वाले यहाँ पे, आप पिक्चर यहाँ पे आप देख पाओगे। सो यू हैव योर ट्रोपोनिन जो आपका अटैच है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, यू हैव अ फिलामेंटस एक्टिन जो आपका वैसे भी आपका यहाँ पे लगा हुआ है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन बी सीन ओवर देयर। याद रखना, ट्रोपोमायोसिन इज समथिंग विच इज कवरिंग द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ये किसी चीज को कवर कर रहा है वहां पे। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, सो दीज आर थ्री थिंग्स यू हैव टू नो। अब इसके अंदर आप जानते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है वो होता है आपका यहाँ पे मायोसिन एंड एक्टिन, ये चीज हम देख चुके हैं यहाँ पे कि दीज आर माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मेरे जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होते हैं ना यहाँ पे, दीज टू वन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ओवर हियर, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। इनको हम बोलते हैं आप एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन, क्या करते हैं हम बाद में समझेंगे, बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी प्रोटीन ओवर हियर। तो ये चीज आपको पहले तो इसके अंदर याद, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू बिकॉज द स्टोरी विल बी बेस्ड ऑन दिस। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट जनरली व्हाट विल हैपन, योर मायोसिन विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। जनरली आपका क्या होता है, जो आपका मायोसिन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, okay, but as soon as there is a need of muscular contraction, there is a need of muscular contraction, the myosin head will get upright, myosin head aapke yahan pe upright ho jayega and it will attach to the actin filament, theek hai। to generally to aapke yahan pe relaxes mein it will be horizontal, so ye horizontal aapka kab hai aapke yahan pe, when it is in a relaxed state, when this is going to be in a relaxed state, राइट। लेकिन जैसे ही है आपका होता है लाइक वेन एवर देयर इज गोइंग टू बी ट्रिगर, जब भी आपको ट्रिगर मिलेगा टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल, सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन दिस विल गेट कंप्लीटली अपराइट और अपराइट होने के बाद ये अपने आपको अटैच कराएगा एक्टिन के साथ।
ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल इतनी बात यहाँ पे आप याद रखना, और भूलना मत कि आपके मायोसिन के हेड के ऊपर आपको क्या क्या चीजें आपको वहां पे दिख रही है। दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू फॉरगेट एवर, कि वहां पे आपको क्या क्या देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाए। चलो तो ये तो हो गई आपका वहां पे पिक्चर है, मायोसिन का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दैट यू हैव अ हेड एंड यू हैव अ टेल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नाउ हाउ द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन विल हैपन, तो हम इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब अज्यूम करो कि आपका यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट आपके यहाँ पे लगा हुआ है, एक्टिन फिलामेंट को हटा दो यहाँ पे। एक पहले तो हम यहाँ पे वो चीज समझते हैं कि आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या हो रहा था। जस्ट कम बैक ओवर हियर एंड लेट्स सी द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये पहले यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होगी। अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं तो मेरे न्यूरॉन्स के थ्रू मेरा सिग्नल मेरे मसल तक पहुंच चुका है। तो पहले तो आप ये बात यहाँ पे याद रखो कि आपके न्यूरॉन्स आर गोइंग टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बैठेंगे आपके रिसेप्टर के ऊपर, और जैसे वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बैठेंगे दैट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल आपका जाएगा आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सो दैट एक्शन पोटेंशियल इज समथिंग विच विल गो टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार आपको वहां तक पहुंच गया, देन यू विल फाइंड द कैल्शियम आयंस विल गेट रिलीज, then you will find the calcium ions will get released and now those calcium ions will go and sit onto the myofibril. तो याद रखना यहाँ तक तो आपने कहानी देखी थी कि calcium ions आपके यहाँ पर release कर दिए गए। अब यहाँ से calcium ions क्या करते हैं, let's try to understand that thing. Calcium ions आपके यहाँ पर release कर दिए गए हैं, now let's see what will happen. These calcium ions will go and sit on the troponin. ये बात याद रखना कि जो मेरे calcium ions यहाँ पे होते हैं ना, let me come back over here. जो आपके कैल्शियम आयंस होते हैं, दिस कैल्शियम आयंस विल कम एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। याद रखना योर कैल्शियम आयंस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, जो आपके रिलीज किए गए थे फ्रॉम योर एससीआर, दे विल कम एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। तो ये आके ट्रोपोनिन के ऊपर आके बैठेंगे। तो आप ये मान लो कि मेरा कैल्शियम आयन मेरे यहाँ पे आ रहा है एंड दिस इज कमिंग एंड सिटिंग ऑन द ट्रोपोनिन ओवर हियर। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मेरा कैल्शियम आयन आके बैठ रहा है मेरे ट्रोपोनिन के ऊपर, इफ माई कैल्शियम आयन कम्स and sits on the troponin, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, you will find that troponin is going to shift its position. जैसे मेरा calcium ion आके बैठा है troponin के ऊपर, तो याद रखना तो troponin यहाँ पे क्या करेगा, is going to shift its position. अब जैसे मेरा troponin यहाँ पे अपनी position shift करता है, अब मुझे ये बताओ कि आपका troponin किसके साथ attached था, troponin. ऑटोमेटिकली आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा ट्रोपोमायोसिन आपका अटैच है ट्रोपोमायोसिन के साथ, है ना। तो जैसे ही मेरा ट्रोपोनिन मेरे यहाँ पे पोजीशन शिफ्ट करेगा, दैट विल लीड टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन एज वेल। This will lead to a change in position of troponin. This will lead to change in position of a troponin. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी, राइट। अब जैसे ही आपके यहाँ पे आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन आपके यहाँ पे चेंज हो रही है ना, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो बाइंडिंग साइट थी ना एक्टिन के ऊपर, वो आपकी एक्सपोज हो जाएगी। जो आपकी बाइंडिंग साइट थी यहाँ पे आपकी एक्टिन के ऊपर, वो आपकी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक देखो क्या कर रहा था ट्रोपोमायोसिन मेरा यहाँ पे, ये आपका कवर कर रहा था कि बाइंडिंग साइट को, इट वॉज कवरिंग द बाइंडिंग साइट। बट जैसे ही आपका ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन चेंज हो गया, माई बाइंडिंग साइट गेट एक्सपोज, मेरी जो बाइंडिंग साइट थी वहां पे, माय बाइंडिंग साइट गेट्स एक्सपोज। इतनी बात आपको पहले यहां पे याद रखनी है। अब एक बात याद रखना कि जैसी मेरी बाइंडिंग साइट यहां पे एक्सपोज हुई, अब मेरा यहां पे अटैच हो सकता है मेरे यहां पे मायोसिन हेड। नाउ आई कैन फाइंड द मायोसिन हेड विल गेट अटैच ओवर इट, जस्ट वेट अ मिनट, हेलो इन लेक्चर राइट नाउ, या हेलो आपको कॉल करता हूँ। सो दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट।
So we'll find, you will find over here that calcium ions will come and sit on the troponin. Troponin is going to was there on the tropomyosin. It will shift the position. और उसके वजह से क्या होगा, आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी एंड उससे क्या होगा, आपकी बाइंडिंग साइट आपके यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है. अब जैसे आपकी बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है तो आप यहाँ पे याद रखना कि ऐसे ही आपकी बाइंडिंग साइट आपके यहाँ पे एक्सपोज हुई. समझे, ये मेरा यहाँ पे एक्टिन था, दिस वॉज माई एक्टिन. इमेजिन करो कि मेरा यहाँ पे एक्टिन है. अब जैसे आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक्सपोज होती है ना, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे आपका जो मायोसिन हेड है वो आपके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. सो मायोसिन हेड जो आपके यहाँ पे होगा, this will get itself attached over here. Right? This will get itself attached over here. This will get itself attached. अब देखो यहाँ पे जैसे अटैच हो गया, क्यों अटैच हो, बिकॉज बाइंडिंग साइट वाज एक्सपोज्ड. याद रखना, now binding site was exposed, binding site got exposed. और जैसे मेरी binding site यहाँ पे exposed हुई, I will find my myosin head attached itself with actin. आपकी मसल कॉन्ट्रेक्शन अब यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका एटीबी जो था ना, वह आप याद करो यहाँ पे. नाउ ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, हमने आपको क्या बोला था, दैट यू हैव कितनी सारी चीजें थी आपके यहाँ पे. एक तो आपके यहाँ पे आपका बाइंडिंग साइट थी, आपके यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो यहाँ पे अटैच हो चुकी है, दैट इज समथिंग यू आर फाइंडिंग. उसके अलावा यू आर हैविंग ओवर हियर एटीपी वाली साइड भी थी आपके यहाँ पे, एटीपी बाइंडिंग साइट. यू आर ऑल्सो हैविंग द एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पे. तो मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा यहाँ पे एटीपी लगा हुआ मुझे यहाँ पे मिलेगा, जो मेरा यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा. सो आई विल हैव अ एटीपी ओवर हियर. सो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से. सो ओवर हियर आई विल बी हैविंग अ एटीपी एंड दैट एटीपी विल गेट ब्रोकन डाउन. सो आई विल हैव अ एटीपी ओवर हियर और ये जो मेरा एटीपी होगा, अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा. अब मैं एटीपी को यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा तो कौन सा एंजाइम मेरे यहाँ पे मदद करेगा? एटीपीएस. राइट, एटीपीएस एंजाइम मेरी मदद करेगा जो मेरा वहां पे लगा हुआ है. तो जैसे मेरा यहाँ पे एटीपी ब्रेक डाउन होता है ना, सो नाउ लाइक माय मायोसिन हेड गॉट एनर्जाइज, मेरा मायोसिन हेड मेरा यहाँ पे एनर्जाइज हो चुका है. अब एक बात याद रखना कि जब मेरा एटीपी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और जब मेरा ये यहाँ पे कनेक्शन मेरा बन चुका है, दिस कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. This connection over here is called as my cross bridge formation. तो cross bridge मेरा यहाँ पे बन चुका है, ATP मेरा यहाँ पे इस्तेमाल करा जा चुका है. और जैसे मैंने ATP को इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद my myosin head will give a push onto the center. ये करेगा, एक स्ट्रोक लगाएगा सेंटर की तरफ. So my myosin head will create a push towards the center. Center मतलब towards the H zone. आप ये कह सकते हो कि मेरा myosin का जो head है वो खींचेगा actin को H zone की तरफ. So this is going to push the actin towards the H zone. So H zone की तरफ ये इसको यहाँ पे push करेगा. अब जब मैं कह रहा हूं कि वो अपने actin को push कर रहा है, यार इतना वो actin जो है ना ऊपर वाला, उसे push कर रहा है H zone की तरफ, इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a stroke. We call it as a stroke. तो जैसे ही उसने अपने actin को push किया center की तरफ, एक push करने के बाद it will come back to a normal position. जैसे उसने वहां पे उसे पुश किया, उसके बाद उसकी उसने एनर्जी उसकी लगा दी, उसके बाद क्या होगा, एक नया एटीपी आएगा और नया एटीपी आके उससे अटैच होगा एंड द मायोसिन हेड विल गो बैक टू द रेस्टिंग कंडीशन और वापस से एनर्जाइज करके वो अटैच करेगा अपने आप को एंड देन अगेन वापस अपना वहां पे पुश देगा वो. अब ये साइकिल आपका होता रहेगा जब तक आपके पास वहां पे एटीपी है. लेट मी शो यू दिस ओवर हियर, लेट मी शो यू दिस थिंग हैपनिंग इन दिस. रुक जाओ, आप इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये अटैच हुआ, सॉरी यहाँ पे आपका ये अटैच हुआ, ऐसी अटैच हुआ, दिस माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, देन इट विल गिव अ पुश. सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, द एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन. आई कैन वेरी क्लियरली से दैट यहाँ पे मेरा एक्टिन यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, द एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर माय मायोसिन.
ये चीज आपको यहाँ पे हो रही है और ये चीज आपकी तब तक होती रहेगी जब तक यू हैव एटीपी मॉलिक्यूल्स, दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यस सर, यस सर, राइट। अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे देखो, लेट्स कम बैक टू दिस पिक्चर ओवर हियर। मैं आपको एक काम करता हूँ, पिक्चर समझाता हूँ एंड देन आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ द वीडियो। इट इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। आपका थिन फिलामेंट को हम यहाँ पे स्लाइड करा रहे ओवर द थिक फिलामेंट। अब आप यहाँ पे वन से देखना चालू करो, मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी, मायोसिन के हेड के ऊपर जो एटीपी था वो आपने स्प्लिट कर दिया एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज, वो हो गया आपका एनर्जाइज यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इसने क्रॉस ब्रिज बना लिया, सो मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिन फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज। तो आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज अब आपका यहाँ पे बन चुका है। कई सारी बुक्स मेंशन करती है कि आपका क्रॉस ब्रिज बनने के बाद एटीपी ब्रेकडाउन होता है, बट अभी के लिए आप याद रखो कि आपका एटीपी ब्रेकडाउन होगा फिर आपके यहाँ पे क्रॉस ब्रिज आपके यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस इज योर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, दिस इज माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जैसे आपके यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया, आफ्टर दैट इट विल क्रिएट अ पुश, इट विल क्रिएट अ पुश टुवर्ड्स द एच जोन, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द एच जोन इट विल क्रिएट अ पुश। देखो आप, देखो आप यहाँ पे एक पुश क्रिएट करा, इस पुश को हम इवन कह सकते हैं आप एज अ पावर स्ट्रोक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे उसने पुश क्रिएट कर दिया, उसने अपनी एनर्जी वहां पे लगा दी, अब क्या होगा, एक नया आईटीपी आके बैठेगा, एक नया आईटीपी वहां पे दौड़ के आएगा, और जैसे एक नया आईटीपी आके यहाँ पे बैठेगा ना, ये वहां से अपने आप को रिलीज करेगा और उसके बाद वापस से एटीपी अपने आप को ब्रेक डाउन करके इट विल गेट री एनर्जाइज एंड विल स्टार्ट द साइकिल अगेन, और वापस से आपका यहाँ पे एक साइकिल आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, ये आपका होता रहेगा जब तक आपके पास यहाँ पे एटीपी आपके पास मौजूद है, आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ पे चलता रहेगा। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ, लेट मी शो यू वीडियो व्हिच विल बी गिव यू अ मच मोर बेटर आइडिया। सो लेट मी जस्ट शो यू वीडियो ऑन यूट्यूब। यहाँ पे हम इस वीडियो को यहाँ पे देखते हैं फटाफट और समझते हैं। वॉल्यूम इसकी मैं बंद रख रहा हूँ ताकि मैं उसको लाइक आपको लाइक आई कैन डिक्टेट द वीडियो व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। सो यहाँ पे अगर आप फिंगर्स में भी अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप कुछ लिख भी रहे हो, दैट आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स ओवर हियर, ये है आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप की मसल्स। एंड नाउ यू विल फाइंड इनसाइड द मसल, हम लोग जा चुके हैं यहाँ पे। अब ये बात आप सब लोग यहाँ पे जानते हो, यहाँ मसल बंडल, मसल बंडल विल हैव मसल सेल दैट इज अवर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे मायोफाइब्रिल। अच्छा ये बताओ ये क्या है आपका यहाँ पे, नाम बताओ ये एरिया कौन सा है मेरा यहाँ पे, व्हाट इज दिस एरिया, इज दिस इज माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बढ़िया, ठीक है, यहाँ पे मेरा आ रहा है आपके यहाँ पे नर्व इम्पल्स, मेरा यहाँ पे आ रहा है नर्व इम्पल्स, मेरे यहाँ पे पहुंच चुका है। एक्सॉन एंडिंग आपकी है, यू कैन सी द मसल फाइबर। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं इनसाइड द मायोफाइब्रिल। सो मायोफाइब्रिल में ये देखो आपका यहाँ पे सार्कोमेर आपको दिख रहा है, बिटवीन द टू जेड लाइंस, दो जेड लाइन के बीच में मेरा यहाँ पे सार्कोमेर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। थिक थिन फिलामेंट हम लोग यहाँ पे जानते हैं काफी अच्छे से। जब मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है, आप देखो यहाँ पे आपका एच जोन आपके यहाँ पे छोटा होगा, योर एच जोन इज गोइंग टू डिक्रीज इन साइज, सो एच जोन इज गोइंग टू गेट शॉर्टेंड। एच जोन भी आपके यहाँ पे शॉर्ट होता है, इवन योर सार्कोमेर इज गोइंग टू गेट शॉर्टेंड, एच जोन विल गेट शॉर्टेंड, योर सार्कोमेर विल आल्सो गेट शॉर्टेंड ओवर हियर। सो यू हैव द एम लाइन इन द सेंटर, वो हमें यहाँ पे दिख रही है, यू कैन सी द एक्टिन, यू कैन सी द जेड लाइन। Now, here you can see H zone भी गया और सार्कोमेर आपके यहाँ पे शॉर्ट हुआ। Now pay attention, यहाँ पे आप अटैच करो अपने आप को यहाँ पे एक्टिन के बाइंडिंग साइड के साथ एंड यू गिविंग द पुश, क्रॉस ब्रिज बना आपका यहाँ पे एंड देन यू विल गिव द पुश टुवर्ड्स द सेंटर। This will just keep on happening. होता ही रहेगा until you have the ATPs. Now have a look at this over here. ये करने के लिए you have the ATP over here. Now this ATP will get broken down. ये ATP आपके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दी गई एंड नाउ इट विल गेट एनर्जाइज और ये अटैच करेगा अपने साथ
एक्टिन के साथ। यहाँ पे आपका क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही वो अपना एक पावर स्ट्रोक लगाएगा, हाँ अटैच हो चुका है अपने बाइंडिंग साइड के साथ। अब जैसे वो एक पावर स्ट्रोक लगाता है, उसके बाद आपको एक नया एटीपी चाहिए होगा। नाउ यू विल फाइंड अ न्यू एटीपी विल कम एंड सिट ओवर हियर। सो ये तो इसने तो अपना काम कर दिया। नाउ यू विल फाइंड अ न्यू एटीपी विल कम एंड सिट, और जैसे ही नया एटीपी आके यहाँ पे लगेगा तो ये अपना रेस्टिंग पोजिशन में पहले जाएगा। दिस विल कम बैक टू द रेस्टिंग पोजिशन, ये रेस्टिंग पोजिशन में आएगा और फिर वापस एटीपी को ब्रेक डाउन करके इट विल डू द सेम प्रोसेस। तो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, ये आपका होता रहेगा जब तक आपके पास वहां पे एटीपी है। तो पहले ये बताओ, क्या एटीपी वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, ना अब देखो यहाँ पे क्या दिखा के रखा हुआ है। नाउ यू हैव दिस ब्लू वाले मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे दिया है ट्रोपोनिन, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रोपोनिन मेरा अटैच है मेरे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, जो आपका पिंक कलर की जो आपको रोप साइज स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ट्रोपोमायोसिन मेरे बाइंडिंग साइड को कवर कर रहा है, मेरा जो एक्टिन का जो बाइंडिंग साइड है उसको वहां पे वो कवर कर रहा है। नाउ माय कैल्शियम आयंस कम, ऐसे धीरे धीरे चल के आ रहे होते कैल्शियम आयंस, ज्यादा ही धीरे आ रहे हैं। समटाइम आई वंडर किसके पीछे भालू वालू पड़ा हो और ऐसे कैल्शियम आयंस आए फिर मसल कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए, आके अटैच हो गए। जैसे ही अटैच हुए इट विल चेंज द पोजिशन ऑफ द ट्रोपोनिन, आपका ट्रोपोनिन का पोजिशन यहाँ पे चेंज होता है और आपकी बाइंडिंग साइड जो आपकी एक्टिन पे थी वो आपकी एक्सपोज हो जाती है। वंस दैट हैपन द प्रोसेस विल स्टार्ट, आपका प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हियर यू कैन सी योर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहां से आपके कैल्शियम आयंस को हम रिलीज करते हैं, राइट। और आपके न्यूरोट्रांसमीटर आपका यहाँ पे आ रहा है और बैठ रहा है आपके रिसेप्टर के ऊपर। याद रखना रिसेप्टर पे बैठेगा तभी आपका जनरेट होगा आपका एक्शन पोटेंशियल। और ये जो पर्पल कलर की आपको लाइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो माई टी ट्यूब्यूल्स, सॉरी ये जो आपका ग्रीन वाला था दैट वॉज माई टी ट्यूब्यूल्स, उनमें से आपका सिग्नल आप नीचे पहुंचाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, इस तरीके से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन। चलो वापस आते हमारे स्लाइड के ऊपर यहाँ पे। So this is what you find happening in this. अब ये सारी चीजें आपको ऐसी समझ आ जाएगी। Now there is one thing I want to tell you. ये चीजें हम फटाफट यहाँ पे पढ़ लेते हैं, and then let me tell you one thing very important. Contractile protein. आपको यहाँ पे क्या होता है? There are three types of protein that make up the myofibril. One is contractile, regulatory and structural. Contractile आपके यहाँ पे होंगे दो, actin and myosin. Each actin filament is composed of two helical F actin. दो फिलामेंटस एक्टिन यहाँ पे अटैच होते हैं, एंड ईच एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ माय ग्लोबुलर एक्टिन, समथिंग वी हैव सीन दैट। अलोंग विद द एफ एक्टिन टू फिलामेंट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आर एट रेगुलर इंटरवल आर प्रेजेंट। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पे। ड्यूरिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन ट्रोपोनिन कवर्स द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। जब मसल रिलैक्सेशन आपके यहाँ पे होता है तो ट्रोपोनिन कवर्स द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। नाउ लेट्स हैव अ लुक। ईच मायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ माय मेरोमायोसिन, जो हमने देखा था छोटे वाले यूनिट्स, विच हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ग्लोबुलर हेड नोन एज हेवी मेरोमायोसिन विद अ शॉर्ट आर्म टेल नोन एज माय लाइट मेरोमायोसिन। क्या रखना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लाइट LMM, लाइट मेरोमायोसिन, और ये जो हेड वाला मेरा पार्ट है यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ HMM, heavy myosin, right? The head and the arm project at a regular distance and angle from each other from the surface of the myosin and are called known as my cross arm. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे द क्रॉस आर्म, दिस रीजन इज कॉल्ड एज माय क्रॉस आर्म। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा when the muscular contraction happen, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। when the muscular contraction takes place, happens. So first of all, you have to know that your H zone shortens. S zone आपका जो होगा that will get shortened. ये हमने देखा था कि आपका H zone वहां पे छोटा हो रहा था, वो हमने यहां पे देख लिया था। Second चीज, sarcomere also shortens. Sarcomere is also get will also get shortened. Sarcomere भी आपके यहां पे short हो जाएगा। थर्ड थिंग,
आपका जो थिक फिलामेंट होगा, राधर आई शुड से आपका जो मायोसिन होगा, आपका जो मायोसिन होगा दैट इज अ थिक फिलामेंट, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, इसका शेप या साइज चेंज नहीं होगा, तो मायोसिन विल रिमेन अनचेंज्ड. सिमिलरली जो मेरा यहाँ पे एक्टिन होगा, एक्टिन विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड, इसके अंदर भी आपका कोई शेप या साइज इसके यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला. तो याद रखना मायोसिन का साइज या शेप यहाँ पे चेंज नहीं होता, एक्टिन का यहाँ पे साइज एंड शेप आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा. उसके बाद याद रखना आपका जो आई बैंड होता है, आई बैंड दिस विल गेट शॉर्टन, ये भी आपका यहाँ पे छोटा होगा, द आई बैंड विल गेट शॉर्टन. सी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का साइज चेंज नहीं होता, बट आई बैंड का साइज आपके यहाँ पे शॉर्टन होगा, द आई बैंड जो एरिया आपका वहां पे होता है इट विल गेट स्लाइटली शॉर्टन. ए बैंड रिमेन्स अनचेंज, ए बैंड जो आपका यहाँ पे होता है इट रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो एच जोन गेट शॉर्टन, सार्कोमेर विल गेट शॉर्टन, मायोसिन विल रिमेन अनचेंज, मायोसिन का शेप साइज चेंज नहीं होगा, एक्टिन का भी नहीं होगा, आई बैंड आपके यहाँ पे छोटा हो जाएगा, एंड ए बैंड जो आपके यहाँ पे होगा ये भी आपका चेंज नहीं होगा. इतने पॉइंट्स याद रखना, कई बार इनक्यूबर बेस भी आपके सवाल आ जाते हैं, समटाइम यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग ओनली बेस्ड ऑन देम ओनली, कि एच जोन के साथ क्या हो रहा है, सार्कोमेर के साथ क्या हो रहा है, दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ लेट मी टेल यू ऑल दिस थिंग इन अ पिक्चर, इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, यू कैन सी यहाँ पे आपका रिलैक्स स्टेट में है, यू आर इन द रिलैक्स स्टेट एंड यू आर इन द कॉन्ट्रेक्शन वाले स्टेट के अंदर. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर दैट सार्कोमेर आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, द सार्कोमेर जो आपके यहाँ पे था वो आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, जितना बड़ा था उससे थोड़ा ये छोटा हो गया. ओके, एच जोन तो आपके यहाँ पे शॉर्ट हो ही रहा है, एच जोन आपके यहाँ पे कितना बड़ा था देखो आप यहाँ पे, राइट, वो आपके यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे, राइट. सिमिलरली आई बैंड भी आपके यहाँ पे शॉर्ट होता है, यू कैन सी ओवर हियर यू हैव दिस आई बैंड ओवर हियर एंड दिस आई बैंड हैज गॉन टू स्मॉल साइज, यहाँ से वो इतना छोटा आपके यहाँ पे हो गया. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन द आई बैंड इज गोइंग टू गेट शॉर्ट. ए बैंड जो आपका है सेंटर में वो आपका वैसा के वैसा ही है, वो आपका यहाँ पे अनचेंज्ड है, और उसके अलावा मायोसिन और एक्टिन का लेंथ यहाँ पे आपका चेंज नहीं होता. सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू, कि ये चीजें आपको मसल में होते हुए आपको मिल जाएगी. पहले ये बताओ क्या ये सारे पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस सर, यस. कोई चीज समझ ना आए ना तो प्लीज पूछ लेना. So this is something you have to be very much clear with, right? तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. अगर आपको इतनी चीज समझ आ रही है then I'm quite sure अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आप करना संभाल लोगे. The head bears the binding site of for ATP, active site for actin, ये दो चीज तो हम जानते हैं, और याद रखना इसके साथ साथ it will also have the ATPase side, ATPase भी यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाता है. Let us now understand the muscular contraction, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके हैं. So now you know what is my muscular contraction, और इतनी बात है आपको समझ आ चुकी है. की पॉइंट्स याद रखना, द स्लाइडिंग फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन द सार्कोमेर रीजन, हम जानते हैं. द मायोसिन फिलामेंट रिएक्ट ओवर द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टिंग द सार्कोमियर. आई एंड एच बैंड विद इन द सार्कोमियर कंप्रेस एंड एक्सपांड टू फैसिलिट द मूवमेंट. द मायोफिलामेंट डू नॉट एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन. सो ये आपका खुद से आपके नहीं होते, यू नीड टू मेक दैट हैपन. तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली, दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन. स्मूथ मसल हम लोग यहाँ पे जानते हैं. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे एक टाइप का एविडेंस क्रिएट करो कि आपको ये चीजें समझ आ रही है. कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज, क्वेश्चन नंबर वन के लिए हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे. सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर वन, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज, क्या करता है कैल्शियम आपको यहाँ पे? बेटा बाकी लोग भी हैंड रेज करिए बेटा, कर चुके हम लोग यहाँ पे. इट ऑल स्टार्ट विद द कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन आके कहाँ पे बैठते हैं एंड व्हाट दे डू, दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल ओवर हियर. बताइए कोमल शर्मा क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. ओके, उन्नति क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. एंड चेतना? राइट, सो माय कैल्शियम आयंस विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन and remove the masking of the active site on actin for myosin. ये आपके troponin के ऊपर जाके बैठेंगे and remove करेंगे, they will remove the masking of active site on actin for the myosin. तो वो site को expose करा रहे हैं जहाँ पे मेरा myosin head will attach to the actin.
ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, समथिंग आपको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन. सिंपल है इसका आंसर, तो यहाँ पे आंसर बताइए शिखा दुबे. अरे हैंड रेज करता है शिखा दुबे, बताइए क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन ए. पीयूष क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. राइट, गुड. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, या फिर रीड द क्वेश्चन वेरी थरली एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज. टेक योर मिनट एंड देन रेज योर हैंड. सना बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सना बोलिए क्या होगा आंसर यहाँ पे. सर ए ऑप्शन. मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. एंड मुस्कान कुमारी आपको? सर ए. अगर आप मुझे यहाँ पे ए एज आंसर यहाँ पे बता रहे हो, देन दैट इज द करेक्ट आंसर. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट Do not shorten. इनका साइज चेंज नहीं हो रहा, बट rather slide pass each other. ये लोग एक दूसरे को स्लाइड पास कर रहे थे, इसलिए तो हम इसे बोलते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट स्लाइड पास ओवर ईच अदर. दैट इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. दैट इज योर ऑप्शन ए. राइट, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है. क्यों गलत है? When myofilaments slide past each other, myosin filament shorten. यहाँ पे ये गलत हो गया. हमने पहले ही बोला था ना ही मायोसिन ना ही एक्टिन, कोई भी किसका भी साइज यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो रहा था. स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है? व्हेन द मायोफिलामेंट्स लाइट पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेंड. ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. दैट इज ऑल्सो अनट्रू. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टेंड, ये तो वैसे ही आपका गलत हो गया. सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर. स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट. आपका जो आ रहा होता है मसल फाइबर को, वो आपका कहाँ पे आ रहा होता है? बताइए अभिषेक. सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. बताइए डिंपल. बताइए अभिषेक. सर यही बोल रही है. एंड क्या प्रिंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन. आई वांट टू आंसर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपका. यस इट इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट्स ट्रू. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज गुड करेक्ट आंसर इन दिस. चलो What is a sarcomere? बताइए इसका आंसर. बताओ प्रिंस, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन डी. हिम्मत सिंह. सर डी. पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइंस. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन? Which statement is correct for muscular contraction? बोलिए प्रिंस. सर सेकंड. बोलिए अभिषेक. ऑप्शन बी सर. क्यों अभिषेक, लेंथ ऑफ एक्सोन डिक्रीज नहीं होता? अभिषेक बोलो. यस सर, होता है ना एच जोन डिक्रीज, तो फिर सिर्फ डी क्यों बोल रहे हो फिर. अंशिका शर्मा बोलिए. सर ए ऑप्शन. अंशिका, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ये बात सही नहीं है? नहीं सर, वो तो शॉर्ट होता है ना. शॉर्ट सिर्फ आपका आई बैंड होता है, ए बैंड तो आपका वैसे के वैसे रहता है. अंशिका शर्मा एंड ऑल ऑफ यू, ऐसे कैसे चलेगा? Have a look at this. I have something I've told you over here. देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे. I band shortens, A band remains unchanged. ठीक है? हाँ. तो बताओ शिखा दुबे क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? Not इसका. A and B both. शिखा ने दोनों आंसर यहाँ बता दिए. Yes, you will find both the options are going to be correct over here. दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है. सो ऐसा पहले के टाइम पे हुआ करता था कि कई बार दो दो आंसर आपके यहाँ पे से निकल के आते थे. So A and B both of them are going to be correct over here. Then
द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी, कौन सा है मेरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपको एटीपेज एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है? सो टेल अस, कोमल शर्मा बताइए. सर मायोसिन. ऑलराइट, चेतना क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सी. चेतना, मायोसिन के ऊपर अदर देन द एटीपेज आपको और कौन सी दो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट. Right. And that is what you find, and that is why you will find option C becomes the correct answer. Read karo khud se and then raise your hand. Read the question by yourself and then raise your hand to answer this. बताइए मुस्कान कुमारी क्या लग रहा है आंसर इसका? सर ऑप्शन सी. अंशिका शर्मा. सर सी. और बाकी बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे कुछ भूल गए. पूजा डागर है हमारे पास, कशिश, खुशी, महक. पहले ये बताओ बेटा, आप लोग को जो टॉपिक हमने कराया था समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो कुछ बोल नहीं रहे आप लोग. ऑलराइट, सो कोमल शर्मा बता दीजिए अपना भी आंसर, बता दीजिए यहाँ पे. सर सी. यस, द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओवर हियर थाई इज स्ट्रेटेटेड एंड वॉलंटरी. थाई मसल जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, विच आर वुड बी लाइक स्केलेटल मसल्स, इनके अंदर आपको बैंडिंग आपको मिलेगी. दे विल हैव द स्ट्रेटेशन एंड दे आर वॉलंटरी नेचर. मैं अपने हिसाब से इनको लाइक मूव कर सकता हूँ. हार्ट आपका इनवॉलंटरी, यहाँ तक तो सब ठीक है, बट दे आर अनस्ट्रेटेशन जो बात की जा रही है आपके यहाँ पे, दैट्स अनट्रू. ऐसा नहीं होता, दे विल हैव द स्ट्रेटेशन. इंटेस्टाइन आपका स्मूथ होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेटेड आपको नहीं मिलेंगे इंटेस्टाइन, सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अनट्रू. अपर आर्म इज स्मूथ मसल, अरे नहीं, अपर आर्म आपका होता है स्केलेटल मसल. सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर. बेटा अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए. अब इसे ध्यान से देखो एंड रेज योर हैंड. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आपके हिसाब से यहाँ पे सही है? बताओ प्रिंस. सर सेकंड. चेतना. बी. अभिषेक. सेकंड सर. पीयूष. सर बी. एंड हिम्मत सिंह. सर बी. राइट, ए बैंड रिमेन सेम, ये बात आपके यहाँ पे सही है, बाकी से बात आपके यहाँ पे गलत है. साथ में डज नॉट शॉर्टन, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है. ए एच एन आई बैंड शॉर्टन, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है. ए बैंड कभी शॉर्ट नहीं होता. एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, नहीं ऐसा नहीं होता. सो ऑप्शन बी बनता है करेक्ट आंसर. The functional unit of contractile system in striated muscle is going to be what? Functional unit आपके यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बताइए डिंपल, क्या होगा आंसर यहाँ पे? अभिषेक बता दिया करो आप सामने से, क्या होगा आंसर इसका? कोमल शर्मा बताइए. सर ए. एंड कशिश शर्मा. सर ऑप्शन ए. राइट, सार्कोमियर इज माय फंक्शनल यूनिट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. These are not your questions. ये आपके questions नहीं है. ये नहीं. There's something we'll do it later. चलो, these are the questions from my. करना चाहते हो ये वाला question? बताओ. Sac fungi कौन सा होता है? Anyone? Sac fungi. Basidiomycetes. Basidiomycetes. गलत है. नहीं करानी ये question. करानी नहीं चाहिए. Basidiomycetes. ये वाले की चार option है. एक तो बता ही देते हैं. कोई ना कोई तो सही निकल ही आएगा. बाद में द नंबर ऑफ बोन्स विल गेट डिक्रीज टू 206.
तो कई सारी बोन्स जो आपके यहाँ पे होती है आपकी फ्यूज हो जाती है एंड देट विल मेक द नंबर ऑफ बोन्स ओवर देयर आफ्टर विल देन बिकम माय 206 ठीक है. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द बोन्स एंड द स्केलेटल सिस्टम हम यहाँ पे सीखेंगे आपको ठीक है. बोन्स का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, दे प्रोवाइड द शेप टू द बॉडी, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन हार्ट लंग्स. सो आप मुझे बताओ कि आपके लंग्स और हार्ट को कौन सी बोन्स प्रोटेक्ट करती है. रिब्स. हाँ जी राइट, योर रिब केज इज द वन विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड द लंग्स. ब्रेन को कौन करता है प्रोटेक्शन देता है ब्रेन को. क्रेनियम. वेरी गुड अभिषेक, क्रेनियम इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन राइट. बोन्स और क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड एंकर्स द मसल्स. बोन्स आपकी वो जगह है जहां पे आप स्टोर कर सकते हो मिनरल्स को. बोन्स इज अ साइट वेयर आई विल फाइंडिंग योर मिनरल्स लाइक योर कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर बीन स्टोर्ड. तो बताए बच्चे ने आपको कहा जाता है कि मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, बोन्स स्ट्रांग होंगे. सो मिल्क में यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड दैट कैल्शियम इज समथिंग विच कैन मेक योर बोन्स स्ट्रांगर. सो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. सो आपको मिनरल्स जब आप कैल्शियम या फॉस्फेट आपके बॉडी में अच्छा खासा होता है देन उसको आप बोन्स में आप स्टोर करते हैं. बोन्स हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द बॉडी मूवमेंट. बिल्कुल बॉडी मूवमेंट आपकी जो है आपकी हो पाती है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोन्स. बोन्स सर्व एज अ बर्थ प्लेस फॉर माय आरबीसी. बोन्स आपकी वो जगह होती है बेटा जहां पर ब्लड सेल्स बन के आ रहे हैं. अगर आपको याद हो तो यू हैव अ टिश्यू व्हाट यू कॉल इट एज अ बोन मैरो. बोन्स के अंदर आपको एक टिश्यू मिलता है जिसको हम कहते हैं एज अ बोन मैरो. यस सर. यस सर. राइट, ये बोन मैरो से ही आपके सारे ब्लड सेल निकल के आते हैं. दिस बोन मैरो इज अ साइट वेयर वी विल बी फाइंडिंग All the blood cells are being formed. आप आपके ब्लड सेल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है. तो ये बात आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है. All the blood cell formation will be happening in my bone marrow. Right? Okay. अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा. There is one more thing. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. There is one thing I want to tell you. Assume that you have a bone. Assume क्या है ये सबके पास. Right, so you have a bone over here. Right, and bone is a site जहाँ पे आपके calcium और phosphate का storage होता है. So bone is a site जहाँ पे आपके calcium और phosphate का storage होगा. अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी और याद रखनी है कि अगर आपके ब्लड में calcium level का नीचे गया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. मैंने आपको पहले बताया था कि आपके कैल्शियम का तीन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं बॉडी के अंदर. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम. कोई हैंड रेस करके मुझे वो बता रहे कि वो तीन रोल्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं. व्हाट आर द थ्री रोल्स ऑफ योर कैल्शियम व्हिच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. ऑलराइट, बताइए. अंशिका शर्मा बोलिए, व्हाट आर द थ्री रोल्स ऑफ कैल्शियम. Sir, first they help in muscular contraction, second they are essential for blood clotting, and third they help in nerve impulse transmission. Right, बिल्कुल सही. ये होते हैं मैंने यहाँ पे तीन रोल. These are my three roles of my bones. Sorry, three roles of my calcium ions. तो calcium ions going to be very important. और calcium ion का आपको एक level maintain करना होता है. So your blood should always have certain amount of calcium ion. ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि blood के अंदर आपको एक certain amount में calcium ion आपको maintain करना होता है. अज्यूम करो कि किसी रीजन से आपके बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल आपका कम हो गया. अज्यूम दैट फॉर सम रीजन दिस गोइंग टू बी अ लो कैल्शियम इन द ब्लड. देयर विल बी अ लो कैल्शियम इन ब्लड. अगर ऐसा कभी होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल आपके यहाँ पे कम हो गया देन आपको यहाँ पे कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी किसी हॉर्मोन की. सो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर यू हैव वन मोर ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज माय पैराथायराइड ग्लैंड. You have one more gland within the thyroid gland called as my parathyroid gland. एक gland होता है आपका parathyroid gland. अगर आपसे friend अगर आपसे पूछे कि gland कहाँ पे होता है तो आप बोलोगे it is there in the thyroid gland के अंदर ही आपको मिल जाएगा. Parathyroid gland is the one which will release my parathyroid hormone. PTH याद रख लेना, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. This will release my parathyroid hormone. ये hormone आपके body में कब आएगा, जैसे ही आपके body के अंदर blood के अंदर calcium level का नीचे जाता है. जैसे ही आपके blood में कैल्शियम लेवल नीचे जाएगा वो टाइम पे आपका पैराथायराइड हार्मोन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा.
this is when you will find the PTH will get released. जब आपका PTH आपके यहाँ पे release किया जाता है, when you will find this PTH will get released over here, this PTH will go and tell the bones to release the calcium ions. अब ये जो PTH आपका यहाँ पे आया ना blood के अंदर as a hormone, this is a hormone. This will go and tell the bones कि चलिए फटाफट अपने calcium ions को वहां से release करना चालू करिए. So now you will find your calcium ions will now get released over there. आपके calcium ions यहां से release करना हम यहाँ पे चालू करेंगे. अब जब मेरे कैल्शियम आयन यहां से रिलीज करना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अब आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा. तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है दैट इट इज समथिंग विल गो एंड टेल द योर बोन्स टू रिलीज द कैल्शियम आयंस, राइट? सो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, इट्स कॉल्ड एज रिलीज ऑफ कैल्शियम, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन्स. दिस विल बी डन बाय द पीटीएच. एक और चीज ये करता है, ये जाके बोलेगा इंटेस्टाइन को, इट विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्ब द कैल्शियम आयंस, विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस. सो बेसिकली इंटेस्टाइन में अगर कोई कैल्शियम आयंस है जो हो सकता है कि आपके फीकल वेस्ट के साथ बाहर निकल जाए, यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. तो पीटीएच जाके बोलता है कि देखो वैसे भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की काफी कमी है, आप निकाल लो, आप कैल्शियम आयंस जो है वहां पे इंटेस्टाइन में उन्हें आप निकाल लो, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड राइट नाउ, क्योंकि वो नीचे जा चुका है. अब जैसे ही आप ये प्रोसेस चालू करते हो ना, व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के बाद आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड विल बिकम नॉर्मल. सो आपका जो कैल्शियम का आपका यहाँ पे लेवल रहेगा, कैल्शियम आयंस का जो लेवल आपके यहाँ पे होगा, इट विल बिकम नॉर्मल. दिस विल बिकम नॉर्मल आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. कुछ टाइम के बाद दिस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड विल बिकम नॉर्मल. अब जैसे ही आपके यहाँ पे कैल्शियम आयंस का लेवल आपके यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बेसिकली आपका लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया, सो उसके बाद अपने आप पीटीएच आना बंद कर देगा. जैसे ही कैल्शियम का लेवल आपके यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, तुरंत उसके बाद यू विल फाइंड द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच विल स्टॉप. And that is how you maintain the calcium metabolism inside the body. इस तरीके से अपने calcium का level आप body में आप maintain करते हो. अगर calcium का level आपके नीचे जाता है, your PTH will come and will do the job of increasing the calcium ions. जैसे calcium ions का level normal हो जाता है, the PTH will stop coming. PTH का secretion आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा. क्या ये बात आपके यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे जाके वापस एक बार फिर से आप देखोगे यहाँ पे इन अदर चैप्टर, बट यू शुड नो दिस, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द कैल्शियम रेगुलेशन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हैपेंस इनसाइड द बॉडी. तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, पूछ लेना, ऐसा मत सोचना कि पूछना नहीं है. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, दिस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये नीट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. आपके जो बोन्स होते हैं ना, आपने ये बात कभी नोटिस की होगी शायद से, आपके बोन्स से रिलेटेड इश्यूज विमेन को ज्यादा होते हैं. बोन्स से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन होना, क्रैम्स आना एक एज के बाद, लाइक विमेन के अंदर आपको ज्यादा कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है. कंपेयर टू मैन यू विल फाइंड मोर इन विमेन, ओके? सो दिस वन थिंग आई वॉन्ट टू ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दैट, जो बोन्स की जो हेल्थ होती है ना, बोन की हेल्थ के लिए ईस्ट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्ट्रोजन एज अ हॉर्मोन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ, इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ इन फीमेल्स, इन फीमेल्स, ठीक है? ये दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में ये चीज दिमाग में बिठा लो कि ईस्ट्रोजन एक आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑल्सो फॉर द ऑल्सो टू मेंटेन द गुड अमाउंट ऑफ बोन हेल्थ. एक बोन हेल्थ को अगर मेंटेन करना हो तो ईस्ट्रोजन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है फीमेल्स के अंदर. अब कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा हैंड रेज करके कि क्यों आपकी वुमेन आफ्टर द एज ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ एज और इन देयर मिड 50s और मिड 60s दे स्टार्ट हैविंग दिस जॉइंट इश्यूज एंड दे स्टार्ट हैविंग दिस बोन हेल्थ इश्यूज, क्यों होते हैं? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे?
एक विमेन को सर्टेन एज आफ्टर बियॉन्ड सर्टेन एज व्हाई दोस इश्यूज हैव बीन सीन. ऑलराइट, बताइए अभिषेक क्यों ऐसा होता है? सर उस टाइम मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन कम होता है सर बॉडी में, तो इसलिए. राइट, बिल्कुल सही. एज सून एज अ गर्ल हिट्स अ मेनोपॉज, एज सून एज अ गर्ल हिट्स अ मेनोपॉज और गोज बियॉन्ड मेनोपॉज, द अमाउंट ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर गोइंग टू डिक्लाइन रैपिडली. दे विल बी इन अ नेग्लिजिबल अमाउंट. तो क्योंकि आपका एस्ट्रोजन का अमाउंट आपका यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, दिस विल अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट द बोन हेल्थ. This will ultimately going to affect the bone health. तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में रखना that estrogen has an impact on the bone health of the females. Right? तो ये चीज याद रखना. इसको हम बाद में जब एक और चैप्टर आपका आ गया ना तब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब मेरा एक और सवाल है आपसे यहाँ पे. दिस वन मोर क्वेश्चन आई हैव ओवर हियर फॉर यू. क्वेश्चन मैं आपका फ्रेम करता हूँ यहाँ पे सर. मुझे बताओ कि अगर आपके बॉडी में यू हैव अ पैराथायराइड ग्लैंड, लिखूंगा शॉर्ट में यू हैव अ पीटीजी, पीटीजी स्टैंड फॉर पैराथायराइड ग्लैंड, और ये मेरा जो पैराथायराइड ग्लैंड आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ना, ये अननेसेसरीली अगर मेरा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करना चालू करता है, अगर ये मेरा ग्लैंड बेफिजूल के स्टार्ट करता है रिलीज करना पैराथायराइड हार्मोन, जरूरत नहीं है तब भी कर रहा है और बहुत कर रहा है, करता ही जा रहा है. नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ओवर हियर. हैंड रेज करके बताना पड़ेगा यहाँ पे. आपका पीटीएच आपके यहाँ पे आ रहा है बिना कोई रिक्वायरमेंट के, बिना कोई ट्रिगर के, इट इज जस्ट कमिंग ऑल द टाइम. सो नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे. अगर आपका पीटीएच बहुत ज्यादा आता रहता है, मेल फीमेल भूल जाओ, अगर पीटीएच अगर आपका ज्यादा आ रहा है ब्लड के अंदर, देन इससे आपके यहाँ पे क्या दिक्कत है आपके यहाँ पे आ सकती है. चलिए बेटा, चलिए हैंड रेज करिए. अभिषेक के अलावा बाकी बच्चे हैं, टीम दिल्ली एंड हिमाचल एंड शिखा दुबे, टेल अस व्हाट विल हैपन. थिंक ना थोड़ा सा, सोचो आप इस बारे में. अगर आपका पैराथायराइड ग्लैंड अगर हद से ज्यादा पीटीएच रिलीज कर रहा है बिना कोई रीजन के, देन व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम ओवर हियर. बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए क्या लग रहा है आपको? सिर्फ बोन्स वीक हो जाएंगे. बोन्स वीक क्यों होंगी मुस्कान कुमारी? सिर्फ सारा कैल्शियम रिलीज हो जाए. राइट, अगर मेरा तो पीटीएच का तो काम वही होता है, इट विल गो एंड टेल द बोन्स टू रिलीज द कैल्शियम आयंस. अब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं करने की जरूरत है भी नहीं, तब भी आपको ये आ रहा है अननेसेसरीली. सो यू विल फाइंड हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस आर गेटिंग रिलीज ओवर देयर. जितना कैल्शियम आना चाहिए था उससे हद कैल्शियम आपका ज्यादा आ रहा है यहाँ पे. अगर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, देन याद रखना दैट विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ माय थिनिंग ऑफ बोन्स. दिस इज व्हाट इज माय डीमिनरलाइजेशन ऑफ माय बोन्स. डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स आपके बाहर निकल रहे हैं ना, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स. अगर ऐसा होता है वी कॉल इट एज अ थिनिंग ऑफ बोन्स. वी कॉल इट एज अ थिनिंग ऑफ बोन्स. और अगर मेरे बोन से मिनरल्स यहाँ पे निकलने लगते हैं, अगर कैल्शियम आयन ज्यादा निकलने लगे, देन दैट कैन लीड टू अ कंडीशन जिसका नाम आपका यहाँ पे होगा ऑस्टियोपोरोसिस. ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा. तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उन लोगों को जिनकी बोन्स में से कैल्शियम आयन का अमाउंट काफी ज्यादा निकल जाता है. इफ द कैल्शियम आयन इज गेटिंग रिमूव फ्रॉम देयर बोन्स इन अ लार्ज अमाउंट, दोस पीपल विल सफर विद, दोस पीपल आर सफरिंग विद योर ऑस्टियोपोरोसिस. अगर मैं आपके सामने एक केस रखता हूं, अगर मैं आपके सामने एक पेशेंट रखता हूं हु इज सफरिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर वो अगर गिरता भी है ना कहीं पे, अगर जाते हुए अगर वो गिर जाता है, द बोन्स विल ब्रेक, बिकॉज बोन्स उसकी वहां पे इतनी वीक या थिन हो चुकी है कि अगर उसे कोई भी अगर वहां पे डैमेज होता है, सो यू विल फाइंड द बोन्स ओवर देयर आर गोइंग टू एंड अप ब्रेकिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज माय ऑस्टियोपोरोसिस. बताइए अंशिका शर्मा, क्या सवाल है आपका? सर ऑस्टियोपोरोसिस तो एस्ट्रोजन लेवल कम होने से होता था. नहीं नहीं नहीं, देखो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो. एस्ट्रोजन विल हैव ओनली रोल टू बी प्लेड इन द फीमेल्स. आप जो कह रहे हो उस हिसाब से तो ऑस्टियोपोरोसिस आपके मेल्स में होगा ही नहीं, समझ रहे हो आप मेरी बात? ऑस्टियोपोरोसिस का मेन रीजन आपका यहाँ पे ये होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स. ओके, एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स इज समथिंग व्हिच विल हैपन व्हेन यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स.
एंड व्हेन यू हैव दिस लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम डबल सी आपका कब हो सकता है, वन ऑफ द रीजन कैन बी व्हेन यू हैव अ एक्सेस ऑफ पीटीएच, व्हेन यू हैव योर एक्सेस ऑफ पीटीएच. अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन अगर आपको एक्सेस में आ रहा है, याद रखने की बात को, देन यू विल फाइंड दैट विल लीड टू अ डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स एंड दैट विल लीड टू अ थिनिंग ऑफ द बोन्स. अगर आपका थिनिंग ऑफ द बोन्स आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस. ईस्ट्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में याद मत रखना, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज अ इट्स कॉमन टू मेल एंड फीमेल, कैन हैपन टू बोथ ऑफ देम, राइट, एंड इट विल मेक योर बोन्स वेरी फ्रेजाइल. हाँ, हम ये कहते हैं दैट ईस्ट्रोजन विल हैव इंपैक्ट ऑन द बोन हेल्थ ऑफ द फीमेल्स, बट डोंट से दैट ईस्ट्रोजन इज द ओनली रीजन फॉर माई ऑस्टियोपोरोसिस. इन दैट केस क्या होता है ना बेटा, कि जो भी वुमेन होती 55 के ऊपर 60 के ऊपर, दे मस्ट बी सफरिंग विद द ऑस्टियोपोरोसिस, उन सबको होता ऑस्टियोपोरोसिस. लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ को ही हो रहा होता है. अंशिका, समझ आ रही है मेरी बात आपको यहाँ पे? यस सर. बोलो, आप कुछ कह रहे थे बीच में, बताओ. सर, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही लिखा था. हाँ ठीक है, दैट्स ट्रू, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग द मिनरल आयंस फ्रॉम द बोन्स, दैट इज व्हेन यू विल बी फाइंडिंग द पर्सन विल बी सफरिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस. अब ये होने के यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस, बट वन ऑफ द कॉमन रीजन इज गोइंग टू बी एक्सेस ऑफ योर पीटीएच. एंड व्हेन वी से एक्सेस ऑफ पीटीएच ओवर देयर, दैट मींस यू हैव अ हाइपर सिक्रेशन ऑफ माय पीटीएच. सो हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच अगर आपसे कोई पूछे कि उससे क्या होगा, then you should tell them you will have a demineralization of the bones which will lead to something called as osteoporosis. Estrogen does have a role to be played in the female bone health, but osteoporosis is a common term for the males and the females, right? So ab ye maan lo ki estrogen female ke andar jo role play kar raha hai na aapka yahan pe, that will have a impact ki aapko osteoporosis hoga ya nahi hoga, but main reason aapka yahan pe hota hai loss of calcium ions from the bones, that is the reason for losing my for thinning of the bones, and this is called as osteoporosis. ठीक है, तो याद रखना. हाँ, बट फीमेल स्पेसिफिक के अंदर अगर हम बात करते हैं, ईस्ट्रोजन विल हैव अ रोल टू बी प्लेड इन माय बोन हेल्थ ऑफ द फीमेल्स. तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद. सो दिस इज अ स्टोरी विच विल फाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ माय पीटीएच एंड योर पैराथायराइड हार्मोन. अब यहाँ पे आपके रोल्स क्या लिखे हुए हैं, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. योर ब्लड सेल फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे हो रहा है बोन मैरो के थ्रू, स्टोरेज ऑफ मिनरल आयंस विल बी हैपनिंग ओवर हियर, मूवमेंट हम जानते हैं यहाँ पे करा जा रहा है, प्रोटेक्शन वी हैव सीन दैट, एंड योर सपोर्ट, ये सारे आपके फंक्शन होते हैं आपके यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के. This is what all of you has to remember. अब जब हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को, क्योंकि हमने मिलना है मंडे को, so in Monday when we'll catch up again, we will start with something like your this part. हम यहाँ पे देखना चालू करेंगे क्या होता है आपके यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और इसके दो डिविजन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे. सो मंडे को जब हम लोग वापस मिलेंगे, सो वी विल ट्राई टू कवर दिस, एक ही लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा. विल ऑल्सो ट्राई टू कवर ज्वाइंट एज वेल, ज्वाइंट भी हम वहाँ पे कर लेंगे, एंड वो सब करने के बाद देन वी कैन मूव ऑन टू योर disorders, then उसके बाद we can have a look at something like ना disorders, ठीक है. So ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी है मंडे को, and hopefully मंडे को शायद पूरा चैप्टर तो शायद खत्म ना हो पाए, but मंडे के बाद आपका सिर्फ 20-25% चैप्टर आपका रह जाएगा. I won't say 20%, 10% चैप्टर आपका रह जाएगा along with the question solving, ठीक है. तो ये बता दो, क्या यहाँ तक सारी चीज आपको समझ आ रही है? Is this thing clear to all of us यहाँ पे सबको? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So, इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद, एंड आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट टू रीड द एनसीईआरटी, टू गो थ्रू द नोट्स व्हिच आई एम गिविंग यू राइट नाउ, और क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना वक्त निकालो, एंड डोंट लाइक आधे घंटे निकालो सिर्फ, टेक आउट हाफ एन आवर एंड सॉल्व क्वेश्चंस. जितना पोर्शन हमने किया उससे क्वेश्चन सॉल्व करो बस, जो हमने नहीं किया उसके क्वेश्चन सॉल्व मत करो, एंड जस्ट टेक आउट हाफ एन आवर टू डू दैट. जैसे ही अपना हाफ एन आवर खत्म हुआ, बुक बंद करके चले जाओ कुछ और पढ़ने के लिए, चले जाओ मतलब कुछ और पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि बुक बंद करके भाग गए वहां से, डोंट डू दैट, ठीक है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. कल आपका टेस्ट है लेकिन बायो नहीं उसके अंदर, सो तब भी सब लोग टेस्ट देना सही तरीके से, मेक श्योर यू गिव द टेस्ट थरली, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अब बताइए अगर आपका कोई सवाल हो तो यहाँ पे, नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. जो भी हमने यहाँ पे सिखाया करा है, इसमें अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट इसमें आपको लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, देन टेल मी. ये मत पूछना कि सर बेसिडियोमायसिटिस क्यों नहीं होगा आंसर, वो मत पूछो. बेसिडियोमायसिटिस अभिषेक, एग्जांपल्स याद है बेसिडियोमायसिटिस के? याद तो है. सडनली बताना, दो एग्जांपल बताना बेसिडियोमायसिटिस के बिना गूगल पर सर्च करें. नहीं सर, नहीं कर रहा सर. एक तो मशरूम हो गया,
ये तो सही बोला आपने। और सर दूसरा याद नहीं आ रहा, दूसरा होगा कलरफुल मशरूम हो गया एक रेड मशरूम हो गया, एक व्हाइट वाला मशरूम हो गया Alright, now if you have any question, then please go ahead and ask. Okay, अगर कोई सवाल आपके यहाँ पे नहीं है, then I would strongly suggest to have a break, कुछ खा लो and